आज 27 रबी पूर्णी है। पीरों पुरुषद हजरत अबू हनीफ मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी उस सिरोलजीज का योम वलादत व सआदत सिलसिला आलिया के लिए खैर बरकत का मुझे माशाल्लाह। इसी हवाले से आपके वकालात के हिम्मत में से चंद इक्तबासात पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल करते हैं। इन मकाला के हिम्मत की तरकीब तदीब साहबजादी अली सरदार सलाम आला ने फरमाई, जिनके मुतालिक हमारे पीओ मुर्शद हजरत अबू हनीफ को सिरोल अजीज ने फरमाया, तुम जानते हो ये लड़की कौन है? ये लड़की मेरी महबूब तरीन सईदा व साइदा हकीकी और कायम बेटी है और इस मकाम नजात सहाबा मकबूल मुस्तफैन कारवे साहब की मुजमदा आज पता है और इसका ये मरतबा क्यामत तक के लिए है। मुबारकन मुकर्रमन मुशर्रफन, ये मेरी हकीकी और हमेशा पास रहने वाली बेटी है। बहुत साफ सुथरी सईदा साइदा ताहिरा माशाल्लाह, इसकी खुशी में मेरी खुशी है। वमा अलैना इल्ला सलाम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यौमे वलादत बा सआदत। या रब्बे जलाल वल इकराम, तेरा ये बंदा अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली ओकियान बिन वालिदैन निगाही बख्श व जन्नत बीबी दरवेशुल मराम हजरत बाबा गद्दू शाह रौनक अफरोज लबे दरियाए सफदर की औलाद में से है और शाह विलायत हकीम अमीरुल हसन सहारनपुरी कुसिनुल अजीज का मुरीदुल अनाब है। अलाउद्दीन मेरे पीर की रग रग में रचा हुआ था। जब जोश में आते अलाउद्दीन कहते और कहने पे मजबूर हो जाते मस्जिद गूंज जाती। उन्होंने फरमाया, तुम साबर साहब जाते रहो, उन्हीं का इलाका है, तुम जानो वो जाने। मखदूम साबर साहब पीर साहब के रूबरू फरमाते कि तू मेरा छोटा भाई है, कभी फरमाते तू मेरा खास आदमी है, फिर फरमाते मैंने जाहर और बातन का हाथ तुझे बख्शा हुआ है। उनके मनाकब बराउल वरा हजरत किबलाए मन से साबर साहब असर फरमाते, दरबारे मुस्तफाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दरबार है और मैं तेरा दरबार हूं। तरीकत में मुनाफकत नहीं होती, एक होकर और एक बनकर ही कोई किसी का कहलाता है। हजरात, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने ही पीर को देखा है, किसी और तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ। फैजान गुना गुमा चाहता। एक दिन फरमाने लगे, मेरे लड़के को बुलाकर लाओ। अर्ज की, हुजूर मैं उन्हें नहीं जानता। फरमाया, अबे तू मेरे लड़के को भी नहीं जानता? फिर फरमाया, हमारे घर से बुला लाओ। अर्ज की, मेरे आका मुझे आपके घर का पता नहीं। इस पर वो बहुत खुश हुए
अगर हम अपना जायजा लें तो हम किसी के तो क्या अपने भी वफादार नहीं। जिसका जहां जी चाहता है बिना पूछे चला जाता है और जो जी में आता है करता है। किसी को भी किसी का न डर है शर्म और ना ही तरीकत की नामूस का पास। जिंदगी की हर मंजिल अनंत और इसी पे इस्तेकामत इत्तेहा है। तरीकत माया नाज तक्वा आदाब की पाबंद जरा सी बेअदबी की रूह धाकर नहीं। बेअदबी लघु खा इबादत और आदाब के पानी फेर देती है। मोहब्बत का अदब हर अदब से मुश्किल महाल भी कहें तो बेजा नहीं। जिसने भी पाया अदब ही की बदौलत और अदब ही की बरकत से पाया। हजारों सफीने दरियाए तरीकत में उतरे डूब गए सिर्फ अदब ही का सफीना पार गया। अदब सबसे अफजल और सबसे मुश्किल काम है। अदब को सहल मत जान अदब की राह कठिन है। अदब महदूद अरसा तक आसान और हमेशा निभाना मुश्किल है। महबूब के अशआर की तामील मोहब्बत का अदब है। तरीकत की असल शहर से मोहब्बत तरीकत का उरूज मुनाफिश है। हजूरे अकदस अकमल जनाब रसूल अकरम अजमल अतैम अथर रूई पिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत तो किसी नेक बात को ही नसीब होती है। शहर की मोहब्बत में तालिब की कामयाबी है। तेरा कलब सिर्फ और सिर्फ तेरे पीर के कलब के ताबे हो और तेरा पीर ही तरीकत के जुमला मदारस का मामा माशाल्लाह। दिल का बदलना अल्लाह ही के कब्जा कुदरत में होता है। जब दिल को बदलने का इरादा फरमाता है किसी जल से वासिल फरमाकर बदल देता है। दिलों के उस्ताद दिल होते हैं। दिल ही दिलों को पढ़ाया करते हैं। ये शाही सिक्के दिल ही की टकसाल में ढाले जाते हैं। ये बाकी है कसबी नहीं। अल्लाह की तलाश में निकला था अलाउद्दीन को पाया दीवाना था मस्ताना बना। दैरे उलूम के दखाए खुले अजायब व गरायब उसके मिले। कुदरती निजाम ने आगोश बाकी तेरी बका की चादर सदा तरी रही। पास पानी मर्दों की अमानत तेरी पास पानी बड़े ही काम की चीज है। ऐ ओ यक्ताए जुमा तेरी नजीर नहीं मिलती न हुआ न होगा। क्या ये नाज काफी नहीं सिर्फ ये याद है और ये नाज है कि बचपन में मुझे एहराम बांधा और ये हक और यकीन है कि एहराम कभी बातिल नहीं होता। एहराम दो असूल पे मबनी दुनिया से बेरगबत रब की तरफ राग़िब। तवज्जो किसी और तरफ राग़िब न हुई और तेरी तवज्जो ही की बदौलत ये बरकत हुई। कायनात की कोई विषय किसी भी अंदाज में तुझे खीरा न कर सकी। इनायत नहीं तो क्या है करम नहीं तो क्या है। ना पीर है ना फकीर साबर साहब के मलंग है। आशिक भी है माशूक भी फर्जंद भी है दिलबंद भी
खाक रूप भी है, खाक नशीन भी। इसी खाक नशीनी पे हम फूले नहीं सिवाते और मां सिवा को किसी खातर में नहीं लाते, धर्म कराते, पैरों बार का सफर जारी रखते हैं। ऐ ओ यक्ता है जुमा, तेरी किस्मत हम खाक नशीनों के बड़े ही काम आई, हर किसी के काम आई। देखने में तो कुछ भी नहीं, तेरे बनाए हुए बहुत कुछ है। तेरी प्रीत के गीत हम गाते ही रहेंगे, तेरी किस्मत के बगैर कोई किसी को पूछता तक नहीं, कौन मियां कहां से हो। न मेरी जात न सिफात, तेरे नाम ही की बस्ती बसाई हुई है और इसे नाम की बीन बजाई हुई है। मरहबा जानो फिदा, ऐ बकाए हस्ती के माया नाथ मर्द, मरहबा आ भी जाओ कि तेरी दीद के दीवाने तेरी गांव में आंखें बिछाए बैठे हैं। तेरी हस्ती सरापा बस्ती, तेरी हस्ती का कोई मुनकर नहीं, भरत ने भी कोई ऐसी हस्ती नहीं देखी, भरत खुद इस पे नाच करता है। मदलूबे मां मकसूदे मां, दर्दे मां दरमाने मां, सोजे मां सामाने मां, जाने मां जानाने मां, तेरा हाल ही मेरे दिल का चराग है। सारा साल गुल्ला शरीफ को थामे मैं रहना, ना कुछ सुनना और ना कुछ कहना, मैं महबीयत की हद नहीं तो क्या थी। तेरी महबीयत की मिसाल नहीं मिलती, तेरा नाम अलाउद्दीन है, तेरा नाम ही तेरी शान का पत्थर। तेरे जलाल को न देखा जाता है न सुना, देश प्रदेश भी तेरा कोई हम पाया न मिला है ही नहीं। किसी भी विलायत के वली को ये शर्फ हासिल न हुआ कि मस्जिद ने किया सीधा साबर तेरी गली में। ऐ ओ राजन के महाराजन, तेरा कलाम मखनून है, इतराब से बराबर बराब इसी तरह बैस या पैदल बरकार। बारहा देखा अकल शिष्टर रही, सितारेत हुई तेरी नाद भरी अदाओं और कबाओं का शुक्रिया मन को ले दे गई। कमाल आलम था अपने जनाजे की नमाज खुद पढ़ी, मेरे दिल पर मेरे अब्बा जब जा महक हुए, शमसुल हज ने जनाजा के लिए जज्बे अदा रखा और इमाम के इंतजार में दस बस्ता खड़ा हुआ। एक नकाब पोश सवार आया और जनाजे की नमाज की इमामत फरमाई। शमसुल हज ने देखा कि शुमाल जनूबत जहां तक भी उनकी नजर पहुंची थी जनाजा पढ़ने वाले सब आ रहे थे। जब नमाज पढ़ चुके तो शमसुल हज ने हज की कि लोग मुझसे पूछेंगे तेरे आका के जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई, तो क्या जवाब दूंगा। इस पर वो मुस्कुराए, जेनवर से निकाब सरकाई और फरमाया, शमस तू मुझसे दुनिया में बनाओ बका के बारे में पूछा करता था, उस वक्त मैं तुझे क्या समझाता और कैसे समझाता। फिर मेरे अब्बा ने अपने जस्ते अंतर की तरफ इशारा फरमाया, वो बना है ये बका, ये कहकर मेरे आका मेरे दिल पर मेरे अब्बा इन सारी नजरों से जंगल की वादी में रुपोश हो गए।
और मर्दों के लिए मकामे मकाम और मुर्दों के लिए मकामे फना है। मौत का जब भी मर्दों से सामना हुआ, मर्द मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कराए। मौत थरथरा उठी, पुकारने लगी, यहां आला ये उन्हीं लोग हैं जिनको किसी किस्म का भ्रम नहीं, ना उनको जन्नत की खुशी ना दोजख का डर। ये तो तेरी आंसुए दीप की बेखुदी के नशे में मस्त अलस्त हैं। अल्लाह ताला हमें मर्दों की बारगाह में हाजिरी की तौफीक बख्शे। आमीन या रब या करीम। हाजिरी किसी की भी हो, नजरअंदाज नहीं होती, कुछ न कुछ पाकर रहती है, कभी खाली नहीं लौटती। जो भी हाजिर है और जो भी हाजिर हो, किसी इनायत से मालूम नहीं रहता, किसी भी इनायत से कभी मालूम नहीं रहता, ना ही उनकी शान के शाया। इनायत की तसीम आप होती है और हाजिर ही को इनायत होती है, भावे कोई हो। बंदा आज जो मस्कीन किसी आने वाले की क्या हालत रवाई कर सकता है। मेरे अल्लाह ही हाजिर होने वालों की हालत रवाई किया करते हैं। अल्लाह के खजाने भरपूर हैं, किसी भी शय की कमी नहीं। अल्लाह ताला आप सबको फैजियाब फरमाए। या अय्यूब या क़य्यूम। आमीन।